गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस प्रशिक्षण में हम बात किए एनईपी के बारे में। ये अपने यहां कब से लागू हुई? 29 जुलाई 2020 से, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा लागू की गई। इसके पहले कौन सी शिक्षा नीति थी? 1986। इसमें जो विशेष बात की गई है, वह बात की गई, इस बात पर फोकस किया गया है कि रचनात्मक विकास के बारे में, किसके बारे में? रचनात्मक विकास के बारे में, क्रिएटिव। तो रचनात्मकता से आप क्या समझते हैं? रचनात्मकता क्या है? सृजन करना, बहुत ऊंची बात, और चिंतन करना, कल्पना करना, ठीक है। देखिए, जितने भी जीव होते हैं, सभी जीव और हम में जो समानता है, तो 5 senses हमारे में भी है, उनमें भी होता है, पशुओं में भी होता है। लेकिन एक जो मनुष्य हम लोग अलग होते हैं, इस कारण से कि सृजन करने की क्षमता, रचनात्मकता करने की क्षमता हमारे में होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और इसके लिए बहुत मेहनत लगी। जैसे मान लीजिए कि पहले हम लोग क्या थे, ऐसा कहा जाता है कि वानर प्रजाति जैसे आप देखते हैं, इस तरह से फिर आगे मनुष्य का विकास हुआ। हम लोग भी 4 पांव से चलते थे, पूंछ भी होती थी। जिन शरीर के अंगों का हम उपयोग नहीं करते हैं, धीरे धीरे वे अंग लुप्त प्राय हो जाते हैं। हमने पूंछ का उपयोग नहीं किया, पूंछ धीरे धीरे लुप्त हो गई। फिर हमने सीखा पैर पर खड़े होना, हाथों से काम करना। तो इस तरह से जाकर के इस तरह से हम आए हैं मनुष्य में। ये जो अंगूठा है, तर्जनी तक पहुंच करके जब हम अपनी कलम को पकड़ते हैं, पेन को, कूचिका को, और जो लिखते हैं, इस अभ्यास को आने में हजारों वर्ष लग गए। जो आदि मानव है, और आदि मानव से हम जब मानव बने, तो केवल एक अंतर है, आदि मानव इस अंगूठे और तर्जनी को, इन अंगुलियों को स्पर्श नहीं कर सकता, उसके हाथ ऐसे हैं। पहले हम लोग भी ऐसे हुआ करते थे। और इस तरह से अभ्यास करते करते आनुवंशिकता के सिद्धांत के अनुसार अब जब नई जनरेशन जन्म लेती है, तो आराम से किसी भी वस्तु को पकड़ लेती है। पहले हम पकड़ नहीं पाते थे, ऐसे हाथ हुआ करते थे। तो कलम को जिस तरह से हम पढ़ने पकड़ करके लिखने का अभ्यास प्रारंभ करते हैं, ये बहुत आसानी से नहीं आया है। इसके लिए हमारे पूर्वजों का योगदान है, और आनुवंशिकता के सिद्धांत के अनुसार आज हम उस काम को कर रहे हैं। तो ये बात तो स्पष्ट हो रही है कि जिस तरह से हमारा चिंतन होगा, जिस तरह से हमारा व्यवहार होगा, कार्य होगा, तो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं बात किसके लिए किया, ट्रांसफर की बात किया, ट्रांसफर हो जाना, चले जाना, ठीक है। अब एनईपी के विजन के बारे में चर्चा हो गई है, एनईपी के सिद्धांत क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। इसमें फोकस किया गया है होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में, समग्र विकास। यदि अभी आप ये समझते हैं कि हम विद्यालय में जाते हैं और शिक्षा प्रदान करते हैं, तो शिक्षा केवल यहां तक सीमित है कि अपनी किसी भी विषय को खोल करके हम पढ़ाना शुरू कर दें, तो हम एक अच्छी शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। केवल यहां तक नहीं है, बल्कि सबसे पहले क्या करना है, छात्र के चरित्र का उन्नयन करना है, उसके चरित्र का निर्माण करना है। नंबर वन फोकस स्कूल में क्या होना चाहिए, छात्र के चरित्र का निर्माण करना। फिर उसका भावनात्मक विकास करना, उसका शारीरिक विकास करना, उसका नैतिक विकास करना, इन सब बातों पर ध्यान देना है। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है हमें मनुष्य, अच्छा नागरिक बनाना है, अच्छा मनुष्य बनना है और बनाना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा का। पहली बात तो ये है, विद्यार्थियों को भी हम स्कूल में जाकर के ये प्रश्न पैदा करें, उनके सामने रखें, भी हमारा सेशन होगा प्रश्नों का महत्व, प्रकार इत्यादि के बारे में। तो जब किसी भी चीज के बारे में पहले हम पूछें, जैसे कि मान लीजिए कि हम अपने लिए, आप सभी स्वयं के लिए एक चिंतन करिए, पूछिए कि हम क्यों पढ़ाते हैं। इसके पहले हम विद्यालय क्यों जाते हैं, नंबर वन पहला प्रश्न, ठीक है। कोई हमारे शिक्षक साथी बोले, आप विद्यालय क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं? पढ़ाने के लिए। क्या पढ़ाने के लिए? बच्चों को वर्तमान परिवेश से जोड़कर नई शिक्षा, जो कि आगे चल के भविष्य में उसको काम आएगी, उससे अधिक हम उसको तैयार करें। बिल्कुल, पुराने जो हमारे पूर्वज में जो
छोड़ दी गई है उसको जोड़ के नए परिवेश। एक चीज तो ये है कि शिक्षा में देखिए दोनों चीजें हैं, पहली बात है परिवेश से जोड़ करके शिक्षा प्रदान करना, और उसके साथ साथ परिवेश अच्छा नहीं है तो यह भी एक शिक्षक का कर्तव्य है कि उसके वातावरण को बदलना, चेंजिंग लाना। यदि आप शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, पहली बात तो यह है कि चेंज करने के लिए, क्या चेंज करने के लिए, उसके उसके विचार को, नंबर वन उसकी थिंकिंग प्रोसेस को, है ना। इसका लास्ट जो पॉइंट है तो हायर थिंकिंग पावर डेवलपमेंट करना, विद्यार्थियों में तार्किक क्षमता का विकास करना, उच्च सोच की समझ को विकसित करना, वह तार्किक सोचे, उच्च सोच रहे उसके प्रति, ये सब मूल उद्देश्य है। तो इसके लिए हम विभिन्न प्रविधियों का, विभिन्न तकनीकों का यहां पर प्रशिक्षण में देख रहे हैं कि किस किस तरह से उन प्रविधियों का उपयोग किया जाए। जैसे कि जिस दिन शुरुआत हुई तो हमने एनईपी के बारे में विस्तृत चर्चा की, इसके साथ साथ फिर हम आते हैं हुक के नियम के बारे में। हुक का नियम क्या था, उसका उद्देश्य क्या था हुक का, कक्षा के परिवेश से जोड़ना, रुचि उत्पन्न करना, जिज्ञासा उत्पन्न करना, पूर्व ज्ञान से विषय वस्तु की ओर लाना, सरल से कठिन की ओर लाना, शुरुआत करना, और ये क्यों किया जाता है, उनको सक्रिय करने के लिए, सक्रियता लाने के लिए। जितनी हम गतिविधियों को पढ़ रहे हैं, यहां पर प्रयोग कर रहे हैं, अनुप्रयोग कर रहे हैं, जितनी प्रविधियों पर चर्चा हो रही है, सबका एक उद्देश्य है सक्रियता लाना। और जब हम सक्रिय हो जाते हैं तो वह काम आसानी से होता है, चाहे टीचिंग हो और चाहे लर्निंग प्रोसेस हो, दोनों में। आप लोग बहुत ढेर सारी कहानियां सुने होंगे कि दो व्यक्ति थे, दोनों को लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी दे दी गई, एक व्यक्ति जाकर के सीधे लकड़ी काटने लगता है और एक व्यक्ति रहता है पहले क्या करता है, कुल्हाड़ी की धार को तेज करता है। पहली प्रोसेस उसकी क्या होती है, कुल्हाड़ी की धार को तेज करना, इसके बाद लकड़ी काटने जाता है, तो परिणाम स्वरूप वह पहले वाले व्यक्ति से अच्छी लकड़ी काटता है, ज्यादा मात्रा में, जल्दी काटता है, ज्यादा मात्रा में काटता है। तो सबसे पहली बात तो है कि हम अपने विद्यालय में एक शैक्षिक वातावरण तैयार करें, नंबर वन काम। यदि आप परेशान हैं कि हम कैसे पढ़ाएं, तो आप प्रश्न स्वयं से भी पूछिए, विद्यार्थियों से भी पूछिए, तो पूरे आपके उत्तर निकल करके आएंगे, पूरे उत्तर। एक बिंदु है मेरे सपनों की कक्षा, इस पर पहले आप प्लानिंग तैयार करिए कि मेरे सपनों की कक्षा कैसी हो, हम कैसे विद्यार्थियों को चाहते हैं। तो जब हमारे मन में आएगा किस तरह से हम विद्यार्थियों को चाहते हैं, इस तरह से अपनी विद्यालय चाहते हैं, तो उस तरह से आपकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी उनको बनाने के लिए। और हुक का नियम सबसे पहले कहां से प्रारंभ होता है, हमारी असेंबली से, प्रार्थना से। स्कूल लगती है, घंटी हम सूचना की बजाते हैं कि प्रेयर की बेल बजती है, सभी हमारे विद्यार्थी लाइन से खड़े होते हैं। प्रेयर के जो स्टेप्स हैं उस पर अभी आप जो अपनी विद्यालय में कर रहे हैं, यदि मान लीजिए कि कुछ विद्वों को सम्मिलित नहीं करे हैं तो कर लीजिए उसको, केवल उसको एक भाग मत मानिए कि बस इसको करना है तो बस हो गया, इसको कर लिया तो हटा दिए। प्रार्थना हो जाए, प्रार्थना का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले तो जब सामूहिक रूप से किसी भी बात को एक साथ बोलते हैं तो उसमें एक शक्ति होती है। महात्मा गांधी भी इस बात को प्रयोग करते थे, प्रार्थना सभा का आयोजन करते थे ना, इकट्ठे होकर के जब उस बात को करते हैं, हम इकट्ठे होकर के भगवान की आराधना करते हैं, मां भगवती की आराधना करते हैं, हमको शक्ति दें। अच्छा, कभी आप अपने विद्यालय में जाइएगा, जो प्रार्थना आप कराते हैं, फिर इसके अर्थ पर आइएगा, एक पंक्ति का अर्थ एक दिन, तो सात आठ पंक्तियां तो सात आठ दिन लगेंगे। वह शक्ति हमें दो, दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, कर्तव्य मार्ग हमारा क्या है इस पर व्याख्या हो जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे, निज जीवन सफल, ध्यान दीजिएगा, जीवन को सफल बनाना। जन्म लेते हैं और ध्रुव सत्य है कि मरना तो है ही है, अब जीवन को सफल कैसे बनाया जाए, किसको याद किया जाता है, जो इस धरती पर अच्छा काम करके जाता है, याद उसी को करते हैं ना, और उसको उसकी जीवंतता रहती है। वो ऐसा कहते हैं, जैसे आप तुलसीदास जी ऐसा बोलते हैं, कबीरदास जी ऐसा कहते हैं, गौतम बुद्ध का ये कथन है, विचारक जो होते हैं इन्होंने ऐसा कहा है, वर्तमान प्रेजेंट टेंस में ला देते हैं, नहीं ला देते हैं उसको। हमारी धारणा कैसी है जीवन को सफल बनाने की, तो जिस दिन आप अपने जीवन के बारे में सोचेंगे, और सबसे अच्छा तरीका तो यह है जीवन के बारे में वर्तमान में सोचने का जो तरीका है,
कि जिस दिन जिए तो भरपूर जिए आप उस दिन को पल पल। और जीवन वही व्यक्ति जीता है जो अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुश रहता है। ध्यान दीजिए, खुश होना और खुश करना, हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस कब आती है? जब एक रस मिलता है अपने कार्य करने में, एक आनंद आता है। विद्यार्थी देखिए, हम जब अपनी स्कूल में जाते हैं और स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, यदि हम मान लीजिए प्रभावी शिक्षण कर रहे हैं, विद्यार्थियों को कुछ लाभ मिल रहा है, उससे क्या होगा? हमें आनंद आएगा। और आनंद की परसीमा को कहा जाता है, जब आनंद आ जाता है एक बार, तब हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारा समय कब समाप्त हो रहा है। उसमें आप लिप्त हो जाइए, उस कार्य को करने लगिए। जिस दिन आप इस सीमा तक पहुंच गए, आपको लगने लगे कि मुझे आज आनंद आ गया, कभी ऐसा अनुभूत करिए कि विद्यालय में अच्छा पढ़ाइए और जो आप चिंतन किए हैं कि आज अपने विद्यार्थियों को इस स्तर तक मैं पहुंचाऊंगा, और आप टारगेट अचीव्ड करते हैं, अपने टारगेट पर पहुंचते हैं, फिर देखिए आप जब वापस अपने घर की ओर आएंगे तो लगेगा कि मैं कोई काम करके आ रहा हूं, मैं अपने आज इस लक्ष्य तक पहुंचा, आज हमारे विद्यार्थी सीख गए। और यही बात फिर विद्यार्थियों में लाना है। प्रश्न पूछना, प्रश्न उससे पूछिए लास्ट पीरियड में। आप जैसे असेंबली मॉर्निंग असेंबली होती है, तो इवनिंग असेंबली भी आप आयोजित करिए। मैं करता था अपनी विद्यालयों में जहां था, जिस तरह से बच्चे खड़े होते हैं, जब लास्ट पीरियड समाप्त होता है और जब घर जाने के लिए, फिर उनको एकत्रित करता था, सभी लाइन में खड़े होते थे। लाइन में खड़े होकर के फिर ऐसी कुछ चर्चा होती थी, प्रभावी चर्चा, दिशा निर्देश देना, और पंक्तिबद्ध कहता था कि अब अपने घर की ओर प्रस्थान करें लाइन में। तो जब इवनिंग असेंबली हम आयोजित करें, बच्चों को खड़ा करें, उसमें दो तीन चीजें होती हैं। पहली बात तो यह होती है कि सुबह जितने अटेंडेंस हम लिए थे, तो शाम को उतने बच्चे हमारे हैं कि नहीं है, एक पता चल जाता है। कितने हमारे शिक्षक साथी करते हैं इवनिंग असेंबली? प्लीज हाथ उठाएं। नहीं कर रहे हैं तो इसको कृपया करिए, नोट करिए, बहुत महत्वपूर्ण है, कोई नई बात नहीं है, समय भी उतना ही लगता है। एक केवल माहौल आप बनाएंगे, देखिएगा बहुत ज्यादा चेंजिंग, बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा, बहुत ज्यादा। शाम के समय जब छुट्टी हो, आप नियम बनाइए, बच्चों को क्लास कक्षावार क्लास वाइज लाइन में खड़े करिए, गिनती कर लीजिए आप, सुबह जितने बच्चे गिने हैं, शाम को उतने बच्चे हैं कि नहीं है, नंबर वन पहला रिजल्ट निकल करके आएगा। आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि आज आप क्या सीखे, आज आपको क्या सीखने को मिला, कोई दो विद्यार्थी आकर के आगे बताएं। तो जो आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं ना, जब इसको आप प्रक्रिया में लाएंगे, तो विद्यार्थी को लगेगा कि शाम को हो सकता है सर हमसे ही ना पूछें क्या सीखे हो उसके बारे में। और जब ये लगता है कोई मुझसे पूछेगा, नंबर वन, अथवा जो मैं सीख रहा हूं इसका कुछ अनुप्रयोग है, कुछ जीवन में हम प्रयोग कर सकते हैं, तो हम ध्यान से देखेंगे उसको, सीखने की प्रक्रिया तेज हो जाती है हमारी। जैसे ही आप उसके महत्व पर जाएंगे, जो मैं सीख रहा हूं इसका महत्व क्या है, तो हमारी सीखने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। और कैसे तेज होती है? सक्रियता से। हम सक्रिय होकर के सीखते हैं कि नहीं? एक हमारे सर थे, कॉलेज में पढ़ाते थे, तो जब प्रश्न लगाते थे उनको लगता था कि बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बोलते थे कि ये परीक्षा में जरूर आएगा, अनिवार्यता आएगा। ये क्या है? एक हुक है, हुक की टेक्निक ही है। अब जैसे ही बोल दिए कि एग्जाम में आएगा, तैयार अच्छे से देख लिया, परीक्षा में आएगा, सब लोग ध्यान से देखने पढ़ने लगे, ठीक है। और जब हम सोच लें कि हमारा अंतिम, जैसे मान लीजिए कि आज का दिन है, बहुत मजा आएगा आपको जीवन जीने में, मैं नहीं कहता हूं कि आप मेरी बातों को पूर्णता माने, लेकिन आप सोचिए कितने वर्ष हम गुजार दिए हैं और कितने वर्ष हमारे बचे हैं, अब इन वर्षों को हम कैसे जो है तो और अच्छी तरह से ला करके अपने जीवन को आनंददायी बनाएं। पहली बात तो हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि विद्यालय में जाकर के रोज बचपन देखते हैं, बचपन के भले हो गए हैं लेकिन बचपन तो रोज देख रहे हैं। हाँ, उन बच्चों के चेहरे को आप देखिए, उससे क्या होता है, जीवंतता आती है। हम भी उस उम्र में जाकर के विचार करते हैं कि हम ऐसे थे तो ऐसा करते थे, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? कितने सौभाग्यशाली हैं, सबको अवसर नहीं मिलता है, ये इस धरती पर सभी को अवसर नहीं मिलते हैं कि प्रत्येक दिन बचपन देखने के लिए मिले।
पर्याप्त समय मिले, हमारी वो ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य भी है। हमने बात किया हुक पर, हुक का है विषय वस्तु से जोड़ना, वातावरण का निर्माण करना, जिज्ञासा उत्पन्न करना, कल्पनाशीलता उनमें लाना इत्यादि बातें। अगला बिंदु हमारा था प्रभावी दिशा निर्देश। प्रभावी दिशा निर्देश मतलब निर्देश हम कैसे दें जो एक इफेक्टिव हो। इसके लिए किन बातों पर ध्यान रखा गया था, किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, कैसी कैसी चर्चा हुई प्रभावी दिशा निर्देश में? स्पष्ट हो, भाषा स्पष्ट हो, और क्या हो, सरल हो, समझ में आ जाए, बोलते समय इस तरह से विराम चिन्हों का प्रयोग करें कि पूरी बात एक बार में कह लें, वहां पर रुकें जहां पर समझने की आवश्यकता हो। और यदि हमारा दिशा निर्देश सही है तो सही काम होता है। एक बार हम समझ जाएं उस काम को, एक बार जैसे अभी 26 जनवरी आ रही है ना, एक बार मैं खड़ा था परेड ग्राउंड में, तो वहां से काशन दिया जा रहा था सावधान विश्राम इत्यादि का। तो एक समूह पंक्ति में खड़ा था, वह सावधान विश्राम नहीं कर रहा था, तो इंस्ट्रक्टर बहुत नाराज हुए कि ये कैसे बच्चों को ला लिया गया यहां, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो पता लगाने पर पता चला कि ये बच्चे मूक एवं बधिर हैं, इनको सुनाई नहीं देता है। तो सुनाई नहीं देता है तो उनके एक स्पेशल टीचर होते हैं, तो उनके जब टीचर उनको बता दिए कि इस संकेत से आप लोग विश्राम करेंगे, सावधान करेंगे, और जब वो बोलते थे और संकेत देते थे जो बच्चे करने लगे, तो उनसे अच्छा कर रहे थे जो अच्छे थे, जो दिव्यांग नहीं थे उनसे अच्छा परफॉर्मेंस उनका था। ये होता है प्रभावी दिशा निर्देश। हम यदि कोई निर्देश दे रहे हैं और निर्देश का पालन नहीं हो रहा है तो सामने वाले के ऊपर न जाएं कि क्यों इसका पालन नहीं कर रहा है। खुद विचार करें पहले कि निर्देश देने में कहीं त्रुटियां तो नहीं हो रही हैं, कहीं गलतियां तो नहीं हो रही हैं। कल गतिविधि में कराया था, उसमें आप देखे होंगे लाइन खींचिए, तो उसमें क्लियर नहीं था कैसी लाइन कहां खींचना है। दूसरी बार जब निर्देश दिया गया तो उसमें था उसके समानांतर खींचना है, छोरों को मिलाना है, उसके अंदर बॉक्स बनाना है, बॉक्स के छोरों को फिर जोड़ना है। तो आप देखे हैं कि जब हमारा क्लियर जो है तो दिशा निर्देश था तो सभी चित्र एक तरह से बने। तो ध्यान कहां देना है, जब कभी निर्देश का पालन ना हो तो उसमें आप ये देखें कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं यदि उसका पालन नहीं किया जा रहा है तो कहीं निर्देश देने में भी तो त्रुटि नहीं है। और हर चीज पर आप फोकस करेंगे, जैसे पहला दिन हुआ, दूसरे दिन हम आपसे कुछ प्रश्न पूछे तो आप में एक सक्रियता आई, प्रश्न क्यों पूछा था, वो सक्रियता लाने के लिए आपके मन में आ गया कि और हमसे अभी पूछ सकते हैं। होमवर्क दिया, होमवर्क को पूछना क्यों किया जाता है, सक्रियता लाने के लिए। तो सक्रियता लाने के लिए ये सभी इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। कक्षा में प्रश्नों का महत्व, पहली बात कक्षा में प्रश्न क्यों पूछने चाहिए, आप में से कोई हमारे शिक्षक साथी बोले बताएं कि कक्षा में प्रश्न क्यों पूछने चाहिए। जी बिल्कुल पांडे सर, ये थोड़ा प्रोजेक्टर चालू कर दीजिएगा। सबसे अच्छा हो मेरे हिसाब से प्रश्न, सबसे अच्छे प्रश्न, सबसे अच्छे हो प्रश्न, सबसे अच्छे हो, ठीक है। और अच्छा होगी प्रश्न, और इसके बाद बहुत अच्छा माध्यम है प्रश्न पूछने का, ऐसा है ना प्रश्न। हुक है हमारा, फिश बॉल्स वगैरह हैं, आज जितने भी आप सभी प्रविधियों के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो प्रश्नों में सभी का महत्व है। अब वास्तव में प्रश्न बहुत पूछना चाहिए। प्रश्न से क्या होता है, प्रश्न से नंबर बात यह होती है कि जिज्ञासा उत्पन्न होती है और यदि थिंकिंग प्रोसेस अच्छी होती है। यह भी कहा जाता है कि बच्चे के सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, सभी प्रश्नों का, तो बहुत तेज बच्चा निकलेगा। सभी के मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं, हाँ, उनको हमको दबाना नहीं है, ये नहीं बोलना है कि बिल्कुल डांट करके भगा देना है कोई बच्चा प्रश्न पूछे तो। प्रश्न पूछने की कला विकसित करनी चाहिए, बल्कि होता यह है कि उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, बोलते हैं कि सभी लोग शांत होकर के सुने। प्रश्न पूछने की कला को विकसित करना, डेवलप करना है। अधिक से अधिक छात्र प्रश्न पूछे, और जितने अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे, जितने ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, आपकी कक्षा सबसे अच्छी होगी। अब प्रश्न ही तो जिज्ञासा को पढ़ाता है। सेव है,
पृथ्वी पर ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? एक बच्चा सोचता है, छोटा सा बच्चा, और उसकी थिंकिंग प्रोसेस उसको गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित कराती है, न्यूटन। प्रश्न उत्पन्न हुआ उसके मन में, ईश्वर को क्या आपने देखा है? देखा है तो कहां देखा है, कैसे होते हैं? विवेकानंद, पहला प्रश्न उनके मन में। तब जाकर के शिकागो में भाषण देते हैं अपनी तार्किक क्षमता से, और बहुत अच्छे माने जाते हैं वक्ता। तो प्रश्न ही तो उत्पन्न करता है, अरे भाई कौन हूं? ठीक है, जब दयानंद जी आ जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं अपने गुरु जी का, तो वहां से अंदर से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन है, पूछते हैं ना, तो दयानंद बोलते हैं कि यही तो मैं जानने आया हूं कि मैं कौन हूं गुरु जी। कितना अच्छा उत्तर, मैं आपके पास इसीलिए आया हूं कि मैं कौन हूं, ये मैं जानने के लिए आया हूं। और ये मत भूलिएगा, ग्रामीण परिवेश में भी, आपके वातावरण में भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत तेज बच्चे हैं, तार्किक क्षमता के बच्चे हैं, कुशाग्र बुद्धि के हैं। उनको क्या करना है, उनको थोड़ा सा निखारना है, उनको प्लेटफॉर्म प्रदान करना है, उनको लाना है। मैं चाहता हूं कि प्रशिक्षण के बाद आप लोग जाइएगा अपने विद्यालय में, तो ऐसे बच्चों की विशिष्ट प्रतिभा को पहचानते हुए उनके वीडियोज बनाइए, क्लिपिंग बनाइए, उसको बताइए और ग्रुप में डालिएगा, लोग देखें और समझें। जैसे मैं किसी स्कूल में मारी गया और कोई तीसरी का बच्चा जब अंग्रेजी की किताब पढ़ लेता है, पढ़ता है, तो मैं वीडियो बना करके उसको ग्रुप में डालता हूं। उसका कारण यह है कि जो ये सोचते हो अभी तक कि कक्षा तीन का बच्चा अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता है, तो उनके मन में यह प्रभाव पड़े कि अंग्रेजी किताब पढ़ी जा सकती है, दूसरी का बच्चा तीसरी का पढ़ता है। और प्रभाव किसी पर वर्त पड़े, नदी की धारा ज्वार भाटा में क्या था कि आ रही थी लहर, आ रही थी, कुछ मछलियां बाहर आती थी और पुनः लहर के साथ वापस नहीं हो रही थी, और तट पर ही अपने प्राण को त्याग रही थी छटपटा करके। एक व्यक्ति गुजर रहा था, वह रुक करके एक मछली को उठाया पानी में डाल दिया, एक मछली को उठाया पानी में डाल दिया, लेकिन बहुत ढेर सारी मछली आती, बहुत मर रही थी। तो एक दूसरा व्यक्ति आता है और कहता है कि इतनी ढेर सारी मछलियां हैं, एक मछली को आप पानी में फेंक रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है? उस व्यक्ति का उत्तर सुनिए, वह कहा कि जिस मछली को मैं उठा करके पानी में पुनः डाल दिया उस पर तो प्रभाव पड़ा, उस पर प्रभाव पड़ा, उसका जीवन बच गया। तो हम अपनी मेहनत जो कर रहे हैं, तो कुछ आप इस तरह से काम करिए कि किसी बच्चे पर तो प्रभाव पड़ा, किसी बच्चे का जीवन बन रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, ये फोकस करने की आवश्यकता है। और जिस दिन आप ऐसा सोचेंगे, देखिएगा आपके स्कूल का परिदृश्य, वातावरण सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। अगली चीज हम आते हैं, ये तो हुआ कि कक्षा में प्रश्नों को पूछना चाहिए, नेक्स्ट है पूछने की प्रक्रिया हमारी क्या हो, कक्षा में किस तरह से हम प्रश्नों को पूछें, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। पाठ पढ़ाने से पहले, पाठ पढ़ाते समय, पाठ पढ़ाने के दौरान और पाठ पढ़ाने के बाद में। पाठ पढ़ाने के पहले प्रश्न पूछना क्यों पूछना चाहिए, वही हुक का नियम है, विषय वस्तु को जोड़ना, पूर्व ज्ञान से जोड़ना। प्रश्न से ही आप शुरुआत कीजिए। एक हमारे बाबा जी हैं, हम लोग उनके पास बहुत बैठते थे जब बचपन में थे, अभी भी बच्चे उनके पास बहुत बैठते हैं। उनकी उनका कौशल यह है, बच्चे क्यों ज्यादा लाइक करते हैं, बहुत ध्यान से बच्चों की बात को सुनते हैं। अभी हमारे समझ में आया, बाद में हम लोग भी खुद दरबार करते थे उनके पास बैठ करके, और पहले सुनते हैं, सुनते समय फिर प्रश्न पूछते थे और उसी तरह से हंसते थे जैसे बच्चे हंसते थे। तो इस काम को हम लोग अपनी कक्षा में करें, जैसे ऐसे बच्चों को बैठा लें, आप बीच में खड़े हो जाइए और उनसे आप प्रश्न पूछिए, उनसे बात करिए, कौन कौन पढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग हाथ उठाएंगे, जो नहीं उठाएगा, अरे रोहित तुम पढ़ना क्यों नहीं चाहते हो? भाई अपनी अपनी चीज बताए क्यों नहीं, क्या समस्या हो रही है, पहले हम उससे पूछें। तो खुले मंच में आप डिस्कशन करिए, जितनी अच्छी आप चर्चा करेंगे उतनी प्रभावी आपकी कक्षा रहेगी।
चलिए इसको लिखिए, कितने विद्यार्थी नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्या समस्या आ रही है, इसको ऐसे लिखा जाए, इस पाठ का सारांश कोई पढ़ करके बताए, किताब पढ़िए, दूसरे लोग देखें। जब हम ये सब एक्टिविटी कराएंगे तो ज्यादा प्रभावी होगी।